मैं आपको एक लर्निंग पिरामिड के बारे में बताना चाहूंगी कि ये लर्निंग पिरामिड होता क्या है। लर्निंग पिरामिड एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। जब भी एक स्टूडेंट किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करता है तो वो पहली बार 10% ही रीडिंग के द्वारा उसको रजिस्टर होती है। उसके बाद अगर इसी चीज़ का ऑडियो और वीडियो दिखाया जाए तो वो इन्फॉर्मेशन 20% हो जाती है। और इसी के बाद अगर उसी के ऊपर इस इन्फॉर्मेशन में कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो तो वो इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में 30% हो जाती है। और अगर ये ही इन्फॉर्मेशन का डिस्कशन हो तो 40% हो जाता है। डिस्कशन के बाद अगर वो परीक्षा के लिए इसी चीज़ का प्रैक्टिस करे तो वो इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए 75% हो जाती है। तो इसके बाद क्या बचता है, अगर वो ये अपने इन्फॉर्मेशन को जो भी उसने पाठ किया अपने सहपाठी को या किसी अन्य विद्यार्थी को इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ाता है तो उसको हम कहते हैं टीचिंग। तो इसी तरह आपने देखा होगा एक नया अध्यापक जब पहले साल पढ़ाता है तो इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाता, पर दूसरे साल जब उसको वो पाठ पूरी तरह याद हो जाता है तो वो बेहतर पढ़ाता है, और तीसरे साल वो इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में काफ़ी सालों के लिए रिटेन हो जाती है, इसलिए वो बेहतर पढ़ाता है। सो द लास्ट वन इज टीच अदर्स। सो अगर अपनी आप याददाश्त को तेज करना चाहते हैं या अपने बच्चे की याददाश्त को तेज करवाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे को बोलिए कि वही पार्ट वो आपको पढ़ाए। जब इस तरह वो इस पार्ट को आपको पढ़ाएगा तो उसकी मेमोरी तेज होगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।